अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत दर्ज करने के लिए जोरों शोरों से कैंपिंग कर रहे हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने की कोशिश के क्रम में शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और उन्हें अपना अच्छा दोस्त और महान नेता बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में भी मदद की। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के मौके पर हर साल 5 सितंबर को देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते कद से चिंतित और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का मोर्चा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने संभाल लिया है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक का दूसरा दौर जारी है। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। आयोग ने भी कोरोना काल में चुनाव और उपचुनाव कराने को लेकर हाल ही गाइडलाइंस जारी की थी। तभी यह तय हो गया था कि कोरोना और बाढ़ ग्रस्त बिहार में तय समय पर चुनाव होंगे। खबर धनबाद के तुमचाची से। तुमचाची थाना क्षेत्र के गेंद नावाडी गांव में शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने लूट के दौरान बुजुर्ग विजय महतो की हत्या कर दी।